हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राजन और आप देख रहे हैं हमारा चैनल आरडी बुटीक। आज के वीडियो में फ्रेंड्स देखेंगे एक बहुत ही आकर्षक ब्लाउज डिज़ाइन जो कि बिल्कुल नए तरीके का है। तो सबसे पहले बात करते हैं गले की कटिंग की। ऊपर जो निशान लगाएंगे ये 1.25 इंच पर लगाएंगे और गले की गहराई हम यहाँ पर लेंगे 11 इंच का। तो काफ़ी डीप नेक पे ये जो डिज़ाइन है वो बनेगा, 11 इंच यहाँ पर लेना है। और उसके बाद जो मेन चेंज यहाँ पर आएगा वो जो यहाँ पर का हम निशान लगाते हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ 2 इंच पर लगाना है। आमतौर पे हम 3 इंच 3.5 इंच पर यह निशान लगाते हैं, लेकिन आज के डिज़ाइन में ये ही चेंज है। इसको 2 इंच पर लगाना है, ऊपर 2.25 है तो ये हल्का सा तिरछे शेप में ये इस प्रकार से मिलेगा। और उसके बाद इसको नीचे से भी हमें मिला लेना है। फ्रेंड्स, वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट करके बताएं कि ये डिज़ाइन आप लोगों को कैसा लगा। अभी यहाँ से देखिए हम और निशान लगाएंगे और ये निशान जो है हम इस प्रकार से यहाँ पर स्केल की मदद से लगाते हैं। ये पहला निशान, उसके बाद थोड़ी दूरी से एक और निशान लगाएंगे। ये आप अनुमानित ले सकते हो 2.5 इंच के गैप पर, ये ऐसे ये 3 निशान हो गए फ्रेंड्स। अब इस पे हम हल्का हल्का राउंड शेप देंगे, ये इस तरीके से बिल्कुल हल्के से राउंड शेप में इसको देना है। तो ये इस प्रकार का निशान लगाने के बाद करते हैं यहाँ पर गले की कटिंग। थोड़ा ऊपर से हम गले की कटिंग करेंगे, ध्यान दीजिएगा ये यहाँ पर 1/2 इंच ऊपर से हम इसको काटेंगे, ये ऐसे। और उसके बाद ये सीधा कटिंग करके पूरा निकाल लेना है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ये जो इतना जगह बच गया इसको हम इस तरीके से काटेंगे, ये ऐसे। अब ये यहाँ से कट के इस प्रकार से अलग हो जाएगा। इसके बाद हम यूज़ करेंगे डिज़ाइन के लिए कपड़ा, तो यहाँ पर हम एक गोल्डन कपड़े का यूज़ करते हैं। तो ये जो गोल्डन कपड़ा है इसको नीचे रखना है और उसके बाद हम ब्लाउज का जो बैक साइड का पार्ट है उसको रखेंगे और ये इस तरीके से काट लेना है। अब इसी पीस को उठा करके ऊपर रखना है, ये ऐसे। और ऊपर रखने के बाद ये उसी शेप में काटना है जिस शेप में हमने निशान लगाया है, ये इस तरह से। ये देखिए यहाँ पर अभी हम एक निशान लगाएंगे, ये इस तरीके से। और इसके ऊपर हम एक रेड कपड़े का यूज़ करेंगे। तो ये किस प्रकार से करना है अभी मैं डिटेल से बताऊंगा आप लोगों को। ये देखिए यहाँ पर हम हल्का सा रेड कपड़े का यूज़ करेंगे। तो इसके लिए कर लेते हैं कटिंग बराबर से, जो निशान आपने देखा बस वहीं तक इसको करना है यूज़। तो उसी साइज में हमने इसको काट लिया। तो ये इस प्रकार से बराबर बिछा के रख लिए और जो निशान आप देख पा रहे हैं जहाँ तक हमने लगाया ये निशान, इसी शेप में कर देना है कटिंग, ये ऐसे। तो अभी हम इसको ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद ये जो मार्किंग हमने किया है इसको दूसरे साइड भी हमें प्रिंट करना है, ये इस तरीके से कर लेंगे। इसको पलटा करके बराबर जमा के ये जो निशान है ये हम दूसरी तरफ लगा लेंगे, ये ऐसे। तो ये ऑटोमेटिकली दूसरी साइड आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर एक पट्टी कटिंग करेंगे और इस पट्टी को इस तरीके से डबल फोल्ड मोड़ लेना है। और मोड़ने के बाद यहाँ पर जब हम सिलाई लगाएंगे तो यहाँ पे प्लेट्स डालनी है। ये पहले हमने डबल कर लिया इसको, ये मैं आप लोगों को एक एग्ज़ाम्पल के रूप में बता रहा हूँ। इसको बहुत ही बड़ा साइज का बनाना है हमें। ये देखिए हम यहाँ पर प्लेट्स कैसे डालेंगे, ये इस प्रकार से। तो इस तरीके से प्लेट्स डाल करके एक झालर हमें तैयार कर लेना है, यस। इसी तरीके से आप लंबा एक झालर तैयार कर लेंगे। ब्लाउज के बैक साइड में हमें इसको लगाना है। तो चलिए इसको देखते हैं फटाफट से लगाने के लिए कि कैसे ये लगेगा। ये इस तरीके से रखना है, रखने के बाद ये यहाँ पर फिट कर देना है। केवल एक सिलाई से यहाँ पर अटैच होगा
यस और उसके बाद इसी को दूसरे साइड ये इस तरीके से निशान हमने ऑलरेडी लगा रखा है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, केवल सिलाई लगाना है आपको यहाँ पर और ये एक्स्ट्रा जो ढाला है इसको काट देना है। और ठीक इसी तरीके से इसके जस्ट नीचे वाले लाइन पर एक बार फिर से हम इसी झालर को लगाएंगे। तो ये देखिए हमने दोनों लाइनों पर दोनों साइड फिट कर लिया है। अभी यहाँ पर कटिंग करना है साइड में जो एक्स्ट्रा कपड़े हैं, ये देखिए ये इतना एक्स्ट्रा है अंदर की तरफ सिलाई के बाद वाला, तो इसको हम इस प्रकार से मोड़ करके काट सकते हैं। अब इसी तरीके से चारों को काट लेना है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कपड़े हैं ये ख़राब दिखेंगे, तो इसको हमें काट लेना है। तो ये देखिए इस प्रकार से काटने के बाद अब हम यहाँ पर लेस का यूज़ करेंगे, किस साइड में, जिस साइड में हमने सिलाई लगा करके इसको फिट किया है, तो इसी किनारे पर हम यहाँ पर लेस लगाएंगे। तो ये मैं सेम कलर का लेस लगा करके दिखा रहा हूँ, गोल्डन कलर का ही। आप बॉर्डर के कलर के हिसाब से मैच करके दूसरा लेस भी लगा सकते हो, तो वहाँ पर ज़्यादा अच्छा लुक आ जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पर सेम कलर का ही लगा करके आप लोगों को बता रहा हूँ। तो ये लेस जो है इसी तरीके से चारों पीस पर, चारों अलग अलग पीस पर यहाँ पर लगा लेना है। ये देखिए बहुत ही जल्दी से बनेगा ये डिज़ाइन, इसमें कोई ख़ास मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिए, क्योंकि ये डिज़ाइन अभी आधा भी नहीं हुआ है, पूरा देखेंगे तो एक ही बार में इस डिज़ाइन को आप बनाना सीख जाएंगे। और साथ ही हमारे मेन चैनल दिलीप टेलर्स एंड बुटीक को भी आप लोग ज़रूर से सब्सक्राइब करें, वहाँ पर भी आप लोगों को ढेर सारी ब्लाउज डिज़ाइन देखने को मिल जाएंगे। तो ये लेस लगाने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर हम ब्लाउज को उल्टा कर लेते हैं ये इस तरह से, और उल्टा करने के बाद यहाँ पर अब हम पट्टी फिट करेंगे। ये एक इंच का पट्टी आपको कटिंग कर लेना है और उल्टी तरफ से पट्टी को फिट करके सीधी तरफ पलटाएंगे। ये देखिए यहाँ पर जो हमने कट लगा रखा है इस पे यहाँ पर लाएंगे ये इस तरीके से, और यहीं पर ला करके रोकना है, सिलाई पक्का कर लेंगे और इसको बाहर कर लेंगे। और ये इस तरीके से हमने इसको काट दिया। अब ध्यान दीजिए सेम काम इधर हमें करना है, इधर भी उसी प्रकार से हम पट्टी को लगाएंगे, उल्टी तरफ से लगाना है इस पट्टी को, इस बात का ध्यान रखें। तो ये हमने कर लिया दोनों साइड पट्टी को फिट, यहाँ पे भी एक्स्ट्रा पट्टी जो है उसको काट देना है। अब इसको पलटाएंगे, तो अभी देखिए सीधा करके इसको पलटाते हैं ये किस तरीके से पलटेगा, ये ऐसे। पट्टी को फिट करने के लिए जो सिलाई हमने चलाया वो सिलाई पूरा दबना चाहिए, इतना चौड़ा इसको मोड़े, यस। ये छोटी छोटी बातें हैं जो फिनिशिंग के लिए ध्यान में रखनी होती है। और यहाँ पर देखिए ये जो पट्टी है कट लगाने की वजह से पूरा पलट करके ऊपर आ जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पर एक छोटा सा कट लगाया था, ये यहाँ पर इस तरीके से मुड़ जाएगा जो कट लगाए हैं ये ऐसे, और मुड़ने के बाद ये वाली पट्टी एक बार फिर से ऊपर आ जाएगी। और अब हम इस सिलाई को पूरा कर लेंगे इस साइड मोड़ करके ये ऐसे, तो ये सिलाई करते हैं पूरा कंप्लीट। और उसके बाद नीचे का जो हमारा शेप है जिसके लिए हमने अलग से कपड़ा कटिंग करके रखा हुआ है वो फिट करने के लिए देखेंगे। तो इतना करने के बाद हमें ब्लाउज का जो डॉट होता है पीछे का वो लगा लेना है।
ये डॉट वगैरह बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, हम नॉर्मल सभी ब्लाउजों में लगाते हैं। तो ये इस प्रकार से डॉट हम इसमें लगा लेंगे। अब ये मैं दूसरे कलर के धागे से इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि ये पैक हो जाएगा। इस डिज़ाइन को बनाएंगे तो आप भी लगा सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ब्लाउज स्टिच करते हैं तो बिल्कुल सेम कलर के धागे से करते हैं। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि मैंने ये जो डॉट है वो अलग कलर के धागे से क्यों लगाया है। ये पूरा दब जाएगा अभी। इसके बाद देखिए, अब आते हैं उस कपड़े पर जो हमने पहले से कटिंग करके रखा था। तो ये है वो पीस जिसको हमने कटिंग किया था। यहाँ पे अस्तर का यूज़ करके हमने ये सिलाई लगाया है, अस्तर का यूज़ किए और राउंड शेप में एक सिलाई लगाए। तो इससे क्या होगा, ये इस तरीके से पलटेगा राउंड शेप में, ये ऐसे। अब ये पलटाने के बाद यहाँ पर एक बात का ध्यान देंगे, मैंने एक रेड कलर का भी पीस बताया था कि हम साइड में जॉइंट करेंगे, वो पीस हम इसको जॉइंट करेंगे कोने पर। तो उसमें भी इसी तरीके से किनारे से सिलाई कर लेना है और सिलाई करके इसको भी पलटा लेना है। तो ये देखिए, ऊपर ही ऊपर हमने सिलाई लगा करके किनारे में रेड कपड़ा यहाँ पे फिट किया। सिर्फ ऊपर ऊपर ही सिलाई लगा करके हमने इसमें फ़िट किया है, कोई भी लॉजिक नहीं है। अंदर हमने कंगूरा फिट कर दिया है, ये देखिए यहाँ पर बीच में हमने कंगूरा लगाया। आप चाहें तो इस कंगूरे को लगाएं, जिन्हें कंगूरा पसंद है ये ऑप्शनल रहेगा, जिन्हें पसंद नहीं है वो ना लगाएं। डॉट हमने यहाँ पर लगा दिया है। अब इसको केवल एक सिलाई लगा करके हमें फ़िट करना है। यहाँ पर देखिए ये सेंटर है, इसको कर लेंगे हम उल्टा। अब यहाँ पर देखिए इसका सेंटर और इसका सेंटर, दोनों का सेंटर मिला करके हम इसको नीचे तरफ से सिलाई लगाएंगे, उल्टी तरफ से फिट करना है और सीधी तरफ इसको भी पलटा लेना है। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है फ्रेंड्स, इसलिए सारी चीज़ों को मैं डिटेल से नहीं बता पाता। अगर आप लोग डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं, हर एक वीडियो आधे घंटे की, एक घंटे की, तो उसके लिए भी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, कोशिश करूंगा आगे से बताने की। उसके बाद देखिए यहाँ पर इसको पलटा करके ऊपर से ही एक सिलाई हमें यहाँ पर लगा लेना है, ये ऐसे। और अब ये जो है ऑटोमेटिकली ये पलट जाएगा, प्रेस वगैरह आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये सॉफ्ट कपड़ा है बिल्कुल, ये देखिए ये इस प्रकार से ये पलट करके आएगा और ये कंगूरों को पूरा ये ढक लेगा यहाँ तक। तो अभी हम इसके ऊपर ही ऊपर चलाते हैं सिलाई, चारों तरफ इसमें हमें अब सिलाई चलाना होगा। तो ये देखिए इस प्रकार से हमने इसको फिट कर लिया। अब यहाँ पे लास्ट में हम एक उरेब पट्टी का यूज़ करेंगे, ये देखिए ये इस तरीके से यहाँ पर एक पट्टी लग जाएगा। और ये उरेब पट्टी कैसे बनाते हैं, इसके लिए मैंने कई बार आप लोगों को बताया है, एक वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, उस वीडियो में मैंने पूरा बताया कि उरेब पट्टी बनाते कैसे हैं, तो आप लोग देख लेना। वैसे आमतौर पे सभी लोगों को ये एक इंच की पट्टी कटिंग करके पलटाने के लिए सभी को आता है, इसी को हम उरेब पट्टी बोलते हैं, इसमें कोई ख़ास बात नहीं है। उसके बाद ये देखिए ये इस तरीके से राउंड हो करके इधर आ जाएगा, बस इतना है, यहाँ पर ला करके इसको बैक कर देना है। अब ऊपर तरफ से हम एक और पट्टी यहाँ पर फिट कर लेंगे, तो ये डिज़ाइन जो है फिर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद देखेंगे हम इसका फाइनल लुक। तो ये देखिए फ्रेंड्स इसका फाइनल लुक, नीचे उरेबी पट्टी लगाने के बाद हमने इसमें लेस का भी यूज़ किया है। ये सारी चीज़ें ऑप्शनल है, आपको लेस अच्छा लगता है तो लगाइए, बिना लेस के भी ये डिज़ाइन काफ़ी अच्छा लग रहा है। कंगूरा हमने यूज़ किया, ये भी ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको लगाएं। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये डिज़ाइन पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।